डियर फ्रेंड, हम सभी पढ़ रहे हैं सर्वेइंग, और सर्वेइंग में पढ़ रहे हैं लेवलिंग एंड कंटूरिंग। और लेवलिंग एंड कंटूरिंग में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ रिड्यूस लेवल, मतलब रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं। तो दो मेथड होते हैं, एक तो होता है HI मेथड जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख रहा है, और दूसरा होता है राइज एंड फॉल मेथड। देर आर टू मेथड, और अगर इसके प्लेलिस्ट में जाके, सर्वेइंग की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन करके बताया गया है, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देख सकते हैं HI मेथड क्या होता है। पहले तो दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग HI फॉर एवरी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड देन ऑब्टेनिंग द RL ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू HI। तो इसीलिए इसको HI मेथड बोला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि यहाँ पर रीडिंग नोट डाउन किया गया है। जैसे पहले अगर मैं बताऊं कि आपका इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर सेट किया गया है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर सेट किया गया है। देखिए ये इंस्ट्रूमेंट सेट किया गया, उसके बाद से आपका ये आप देख रहे हैं रेड कलर का, यहाँ पर आपका BS लिया गया। देखो BS की रीडिंग 0.9 है, तो 0.9 यहाँ पर लिख दिया गया BS में। A पॉइंट लिया गया, उसके बाद से B पॉइंट पर देखिए जो लिया गया IS है, तो B पॉइंट पर जो रीडिंग आया 1.1 वो IS में लिख दिया गया यहाँ पर। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो IS लिया गया C पॉइंट पर, देखिए C पॉइंट पे जो लिया गया है, वो C पॉइंट पे क्या कर दिया गया है कि यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट लिखे। देखिए C पॉइंट पे चेंजिंग पॉइंट लिया जा रहा है, तो चेंजिंग पॉइंट जब भी लेते हैं तो वो FS में लिखा जाता है। तो जो ये 1.05 FS में लिखें, फिर बाद में ये जो चेंज करके ये देखिए CP इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर सेट कर दिया। इंस्ट्रूमेंट जब यहाँ पर सेट करते हैं तो इसके बैक जो C पॉइंट था उसी पे बैक साइड रीडिंग लेते हैं जो 1.45 आया, और उसके बाद से आगे जो लेते हैं, और लास्ट रीडिंग हमेशा FS होता है, ये भी ध्यान रखने का कि 1.55। देखो लास्ट रीडिंग नोट डाउन किया है 1.55, और इसके बाद HI मेथड का यूज करके और RL देखो सभी के RL फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसने मान लिया कि जो ये बेंचमार्क है उसका रिड्यूस लेवल पहले ही उसका RL जो था वो 100 था, वो 100 था। उसके ऊपर जब देखो 0.9 ऐड किए तो ये आपका HI आ गया, हाइट इस लेवल पर आ गया। इस लेवल पर अगर पॉइंट बताऊं तो ये लेवल पे आपका हाइट इंस्ट्रूमेंट हाइट का, इसका कैसे पता चलेगा, BS में 100 में 0.9 ऐड किए तो ये 100.9 का ये लेवल मिल गया, ठीक है 100.9 का। फिर उसके बाद से देखो आगे की जितनी भी रीडिंग हो रही है, जैसे IS आया तो IS जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू क्या करना है, उसमें माइनस करते जाना है, IS माइनस करेंगे, ठीक है। फिर बाद में जब माइनस कर दे रहे हैं, उसके बाद से जब चेंज भी जो पॉइंट किया जाता है तो वहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे जो न्यूमेरिकल्स मैं बोर्ड पे भी करके बताऊंगा, तो आप ये देखते रहिए कि कैसे इसको अच्छे से अच्छे सॉल्व करके बताऊंगा। फिर राइज एंड फॉल मेथड होता है कि दिस मेथड यूज फॉर डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन कंसेक्यूटिव पॉइंट बाय कंपेयरिंग ईच पॉइंट विद इमीडिएट प्रीसीडिंग पॉइंट से फाइंड आउट कर लेते हैं, इमीडिएट प्रीसीडिंग पॉइंट से फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है IS BS ये सब हमने लिखा था, फिर उसके बाद से यहाँ पे राइज और फॉल इस तरीके से देखो हमेशा क्या होता है, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जो मतलब जस्ट उसके बाद फाइंड आउट किए तो उसके पहले वाला फिर उसके बाद वाले से माइनस कर देते हैं, अगर प्लस आता है तो राइज में और माइनस आता है तो फॉल में लिखते हैं, ठीक है। पहले वाला जो पहले रीडिंग लिया और पहले माइनस दूसरा करते हैं, तो पहले माइनस दूसरा रीडिंग करते हैं तो अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो फॉल में लिखेंगे, और प्लस आ रहा है तो राइज में लिखते हैं। और फिर बाद में RL आपका था ही, उसके बाद से अगर फॉल है तो माइनस करेंगे और राइज है तो ऐड करते हुए जाएंगे और आपको RL मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि RL सभी के फाइंड आउट किए गए हैं, इस तरीके से फाइंड आउट कर लिए गए हैं। आगे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। देखिए ऐसे एग्जांपल दिए जाएंगे, ऐसे एग्जांपल होंगे और इन एग्जांपल को यूज करके और आपको फाइंड आउट करके बताने होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है और इसको पढ़ते हैं एक एक पढ़ के, और फिर बाद में इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन दिया, द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वर ऑब्जर्व सक्सेसिवली विथ अ लेवल द इंस्ट्रूमेंट इज मूव बाय थर्ड सिक्स एंड एट्थ रीडिंग। मतलब मूव किया गया है एक तो थर्ड सिक्स एंड एट्थ रीडिंग, थर्ड रीडिंग सिक्स रीडिंग और एट्थ रीडिंग को, और इसको कैसे, जो अभी आपने देखा कि BS IS और FS कैसे सेट किया गया था, तो वैसे इसको सेट करना पड़ेगा। सेट करके फिर उसके बाद से हम RL इसके फाइंड आउट करेंगे, और ये जो पॉइंट दिया उसके बाद से क्या बोला, एंटर द रीडिंग इन रिकॉर्ड बुक एंड कैलकुलेट RL इफ़ द फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन एट ए BM। अगर पहली रीडिंग अगर हम BM लेते हैं
ऑफ दिस, इसका रिड्यूस लेवल दिया है, उस बेंचमार्क का रिड्यूस लिया है। और पहला हमने लिया जो है वो पहला रेटिंग कंसीडर भी किया है बीएम के रूप में। तो पहला इसका अगर मैं देखता हूँ तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, बीएस हो गया। उसके बाद इसने बोला है कि थर्ड रीडिंग, देखो थर्ड और सिक्स्थ बोला है, तो ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया। तो ये थर्ड के बाद बोला है मूव बाय थर्ड, ठीक है, थर्ड के बाद सिक्स और एट। तो ये थर्ड वाला जो हो जाएगा, ये थर्ड के बाद ये वाला जो रीडिंग हो जाएगी मेरी, ये जो रीडिंग है ये मेरा एफ एस कंसिडर कर लूँगा, फिर बाद में ये बी एस हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, बी एस हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे की जो रीडिंग होगी वो आई एस होगा। लेकिन फिर सिक्स बोला, सिक्स के बाद मैं चेंज कर रहा हूँ, सिक्स के बाद चेंज कर रहा हूँ, तो देखो काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब यहाँ के बाद मेरी फिर रीडिंग चेंज हो गई। फिर ये जो रीडिंग मैं लूँगा तो ये बी एस में आ जाएगा और ये एफ एस में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आई एस में आएगा और लास्ट मेरा एफ एस में हो जाता है, ठीक। एट्थ भी बोला है, सिक्स के बाद से एट कौन आ रहा है, ये सेवन एट्थ यहाँ पर, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा और ये हो जाएगा बी एस। अब फिर बाद लास्ट तो एफ एस हो ही जाता है। तो इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया, देखो आगे अरेंज किया हुआ आपको मिलेगा, देखो इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। और जब इस तरीके से मिल जाता है तो फिर उसके बाद से HI मेथड जब भी यूज़ किया जाता है, तो देखो इस तरीके से पहले तो आपने बना लेना है, ये आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, ये इतना ये आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही आपको करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले ये BS, IS, FS आपको खुद सेट करने पड़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है, देखो RL वहाँ का दिया है 438.384, ये यहाँ का दिया है, उसमें आपने ये BS को ऐड किया तो ये मेरा HI आ गया, मतलब वहाँ का हाइट आ गया, इस पॉइंट पे मेरा ये हाइट आ गया, ठीक है। उसके बाद अभी आगे अगर देखा जाए कि ये जो वैल्यू है IS की वैल्यू, तो IS की वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे ये वैल्यू आ गई। और जब माइनस करने के बाद फिर बाद में जब FS लिया जाता है, ये रीडिंग लिया गया तो FS क्या कर दिया, तो उसमें ऐड कर देते हैं, जो रीडिंग आई है उसके अंदर ये ऐड कर देते हैं, ये ऐड किया तो इतना आया, ये मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये ऐड करने पे आया, ये जो पॉइंट आया उसको ऐड करने के बाद, और उस ऐड करने के बाद जस्ट वन मिनट, ये इतना FS वाला माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे और ये BS को ऐड करेंगे तो मेरा HI आ जाएगा। और जब ये HI आ जाता है तो ये फिर माइनस करेंगे, फिर ये माइनस करेंगे, फिर ये ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, फिर उसके बाद से ये माइनस करेंगे और ये ऐड करेंगे, फिर उसके बाद से ये माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू मेरी लास्ट की आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ और RL मुझे इस तरीके से हर एक पॉइंट का RL मिल जाता है, और इस तरीके से रिमार्क भी दे देते हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट पे मैंने CP लिया है, चेंजिंग पॉइंट लिया है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। और कुछ कंडीशंस देख लीजिए कि ये भी ध्यान रखना होता है कि जो समेशन BS माइनस समेशन FS करते हैं तो जो वैल्यू आता है वही लास्ट RL इक्वल टू फर्स्ट RL, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL भी होता है। तो ध्यान देना कि ये पॉइंट कंसीडर, ये क्यों, ये इसकी हेल्प से एक और पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर कोई पॉइंट मिसिंग हो तो इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो, मिसिंग डाटा को भी कंसीडर कर सकते हो और चेक करने के लिए कि ये राइट है या रॉन्ग है, तो उसको चेक करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, समेशन BS माइनस समेशन FS इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, इसकी हेल्प से। यहाँ पर राइज एंड फॉल मेथड यूज किया है, सिंपल वही कंसीडर करना है। यहाँ पर एक और इसमें जुड़ जाता है, समेशन राइज माइनस समेशन फॉल इक्वल टू भी वही सेम वैल्यू हो जाती है, अगर ऐसा कंसीडर आ रहा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से दोनों मेथड को यूज करके यहाँ पे बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटूर पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ताकि वो भी इसके बेनिफिट ले सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा जब भी मैं आगे बनाऊँगा तो इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं लेवलिंग से रिलेटेड, लेवलिंग फाइंड आउट करने के लिए, चाहे HI मेथड का यूज़ किया हो, चाहे राइज एंड फॉल मेथड का यूज़ किया हो, तो कैसे अगर क्वेश्चन दिया है फिर ऑब्जर्वेशन टेबल में कैसे उसको बना के फिर कैसे उसको सॉल्व करना है, तो भी मैं आपको करके बता दूंगा। तो आप देखते रहिए वीडियो को और उसके बाद कंटूरिंग को एक्सप्लेन करेंगे। सो वीडियो देखते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और पॉइंट मैं अगर बता दूँ कि जब भी कंटूरिंग जब पढ़ेंगे तो कंटूरिंग पढ़ने से पहले मैं जो ये जो आपको लेवलिंग पढ़ाया हूँ, तो लेवलिंग से रिलेटेड और भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी देखिए क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ऐसे दे दिए गए रहते हैं, तो उसकी कैसी
ऑब्जर्वेशन टेबल में पहले तो सेट करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल सेलेक्ट करने के बाद आगे की जो पॉइंट है वो फाइंड आउट करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं वो चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करके बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।